जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा AMC यानी कि आर्मी मेडिकल कोर के बारे में। एक्चुअली आर्मी मेडिकल कोर है क्या? क्या कॉम्बैट रोल्स की तरह इनके लाइफ में भी उतना ही ज्यादा रिस्क होता है? आर्मी मेडिकल कोर के ऑफिसर्स और सोल्जर्स का क्या काम होता है? सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ये पूरा डिटेल्स बहुत ही आसान भाषा में होगा ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। सबसे पहले आर्मी मेडिकल कोर है क्या? देखिए, इंडियन आर्मी का ये एक स्पेशलाइज्ड कोर है जो इंडियन आर्मी के सभी पर्सनल्स जो सर्विस में है या फिर सर्विस से रिटायर हो चुके हैं उनके साथ में आर्मी मेडिकल फैसिलिटीज के अंडर में आने वाले उनके फैमिली मेंबर्स को भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आर्मी पर्सनल्स और उनके फैमिली मेंबर्स को मेडिकल फैसिलिटीज देना इनका काम है। इनके इतिहास को अगर आप देखें तो आर्मी मेडिकल कोर की जरूरत तब से है जब से आर्मी बनी है, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जिसको इस दुनिया के सभी लोगों को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो लेना ही पड़ेगा, और वो सर्विस है मेडिकल सर्विस। इसलिए भारत के इतिहास में जब से फौज है तब से आर्मी मेडिकल की जरूरत है। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल 3 अप्रैल 1943 को रॉयल आर्मी मेडिकल कोर के नाम से आर्मी में ही एक अलग कोर बनाया गया। एक पैटर्न के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया गया और धीरे धीरे आजाद हिंदुस्तान के फौज में भी ये बना IAMC इंडियन आर्मी मेडिकल कोर। आर्मी मेडिकल कोर वॉर टाइम में और पीस टाइम ऑपरेशंस में कई स्टेज पर इंडियन आर्मी पर्सनल्स को मेडिकल इमरजेंसी फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे वॉर फील्ड या फिर ऑपरेशनल एरिया के पास एक टेंट या फिर कैंप लगाकर मेडिकल डॉक्टर्स हमेशा रेडी रहते हैं कि अगर ऑपरेशन में कोई इंजर्ड होता है तो उसे इनिशियल स्टेज पर तुरंत फर्स्ट एड किया जा सके ताकि आगे चलकर उसका ट्रीटमेंट हो सके और उस बंदे को बचाया जा सके। सेकंड स्टेज में आर्मी के बेस कैंप में भी इमरजेंसी बट टेम्पररी हॉस्पिटल की सुविधा रहता है। इसे कहा जाता है बेस कैंप हॉस्पिटल। उसके बाद बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो आर्मी कैंटोनमेंट जोन पर हो सकते हैं, कैंटोनमेंट के बाहर भी हो सकते हैं। ये आर्मी हॉस्पिटल्स परमानेंट हॉस्पिटल होते हैं। यहाँ सभी प्रकार के इलाज करने की सुविधा होती है। यहाँ आर्मी पर्सनल्स के साथ साथ में उनके फैमिली मेंबर्स का भी ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे स्टेजेस में आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स नर्सेस काम करती हैं। जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स और नर्सेस रहते हैं, जैसे स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, पर्वत घातक स्कूल, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बलगाम। इन सभी जगह पर आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स नर्सेस रहते हैं। इनिशियल स्टेज पर किसी भी सोल्जर्स की इंजरी होने पर उनको फर्स्ट एड किया जा सके और उनको ट्रीटमेंट दे करके दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आर्मी मेडिकल कोर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए AMC यानी कि आर्मी मेडिकल कोर। कमेंट पाते ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप आर्मी मेडिकल कोर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।